हमें कितना सारा एस्टिमेशन मटन का होगा, कितने डिस्पोजेबल्स लगेंगे, क्या सारा सामान लगेगा, वो सारा एस्टिमेशन हो जाता है उस गेस्ट लिस्ट के बेसिस पे। तो दावत बुक आप मान लीजिए वही एक रिश्तेदार है जो आपकी मदद कर सकता है इन सारी चीजों को आसान करने में। कोशिश कर रहे हैं कि वाजवान वगैरह क्यूजाइन के बाद जो भी मैस होता है अराउंड वो सब खत्म हो जाए। हम बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं थ्रू आर ऐप, उसका बर्ताव का भी डिजिटल वर्जन हमारी ऐप में मौजूद है। सिंस हमारे यहाँ पे जॉब्स नहीं है, बिल्कुल एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब लड़के तो संभाव चलो बाहर जाते भी है, लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आजकल लड़कियां कस्टमाइज गिफ्टिंग में बहुत ज्यादा है, घरों से कुछ कुछ चीजें, कोई निकाहनामा बनाता है, कोई प्लेटर्स बनाता है, कोई कैंडल्स कोल्स जो भी सारी जरा सामान अपने घरों से बनाते हैं, उनके लिए दावत बुक एक सेल्स प्लेटफॉर्म भी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कश्मीर। आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं ये जिला बारामूला से ताल्लुक रखती है और कश्मीर के लोगों के लिए इन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है। अक्सर अगर हम देखेंगे तो कश्मीर में जितने भी रस्में होते हैं, रिवाज होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, तो उनमें जो हिसाब किताब होता है उसमें हमें काफी वक्त लगता है। चाहे हम शादियों की बात करें, बर्थडे की बात करें या बाकी कुछ फंक्शन की बात करें, तो मेहमानों का लिस्ट होता है, चीजों का लिस्ट होता है या बाकी चीजें होती है, तो वो लिस्ट बनाने होते हैं। उसके बाद इंसान को डर रहता है कभी वो लिस्ट खो जाता है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि इंसान के पास वो रिकॉर्ड नहीं रहता है। लेकिन इन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है, इन्होंने एक ऐप लॉन्च की है दावत बुक नाम से, जहां पे आप जो भी आप फंक्शन करते हैं, जो भी आप लिस्ट बनाते हैं या कोई भी काम होता है उस फंक्शन के रिलेटेड, आप बाज़ाब्ता तौर पे वो इस ऐप में रख सकते हैं, लिस्ट के तौर पे रख सकते हैं या बाकी जो भी काम होते हैं वो इस ऐप में रख सकते हैं। और जिन्होंने ये ऐप लॉन्च की है हमारे ही कश्मीर से ताल्लुक रखती है जिला बारामूला से इकरा नजीर, इनसे बात करते हैं और जानेंगे इस ऐप के बारे में कि किस तरह से इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे जानना चाहूंगी इस ऐप के बारे में, थोड़ा बताएं कि क्या है ये ऐप। देखिए हर साल हमारे घरों में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, चाहे शादी हो, बर्थडेज हो, मियाज, कैचमेंट, एंगेजमेंट, रिटायरमेंट, ये सारी फंक्शंस जितनी खुशियां लाते हैं हमारे घरों में उतना ही हासिल होता है इनको मैनेज करना, इनको ऑर्गेनाइज करना, इनके लिए गेस्ट लिस्ट बनाना, सामान खरीदना, सही सर्विस प्रोवाइडर ढूंढना, ये सारी चीजें एक परेशानी होती है उस इंसान के लिए जिसे एक्चुअली मैनेज करना होता है। ऑल्दो हमारे सब रिश्तेदार हो, कजिन हो, सब आ जाते हैं मदद के लिए। दावत बुक आप मान लीजिए वही एक रिश्तेदार है जो आपकी मदद कर सकता है इन सारी चीजों को आसान करने में। चाहे आपको मौसम का हाल जानना हो, चाहे आपको गेस्ट लिस्ट बनानी हो, गेस्ट लिस्ट के बेसिस पे आपको सारी एस्टिमेशंस की करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे इस फंक्शन में 100 गेस्ट आ रहे हैं तो दैट मीन्स 25 त्रामिया लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम अगर कश्मीर की कल्चर की बात करें तो उन त्रामे में कितना सारा एस्टिमेशन मटन का होगा, कितने डिस्पोजेबल्स लगेंगे, क्या सारा सामान लगेगा, वो सारा एस्टिमेशन हो जाता है उस गेस्ट लिस्ट के बेसिस पे। ये सब कुछ हम मैनुअली करते थे आज तक, बट अब ये एक ऐप में हो जाएगा दावत बुक नाम से, जो कि ऐप है जो हमारे iOS और एंड्रॉयड दोनों प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। और फिर जो सामान आप खरीदने जाते हैं मार्केट, उसके लिए भी हमारे पास स्टोर अवेलेबल है, ऑनलाइन स्टोर, वहीं से आप सामान खरीद सकते हैं। एक और बात बताना चाहूंगी मैं सामान के बारे में कि हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ही प्रमोट कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि वाजवान वगैरह क्यूजाइन के बाद जो भी मैस होता है अराउंड वो सब खत्म हो जाए। हम बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं थ्रू आर ऐप, कोशिश कर रहे हैं कि हेल्दी ऑल्टरनेटिव उन चीजों के लिए भी लाए जो चीजें अभी तक नहीं है। फिर सिमिलरली हमारे पास जो सबसे एज ओल्ड प्रैक्टिस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे कल्चर में, जिसे हम बर्ताव कहते हैं, गुलमोट कहीं कहा जाता है, कहीं शगुन कहा जाता है, उसका रिकॉर्ड हमारे घरों में मौजूद है बहुत सालों से, इतनी मोटी मोटी नोटबुक्स में, कभी वो खो जाती है, कभी जल जाती है, खुदा न खौस्ता, या प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होते हैं। और सब अब सिंस हमारे पास स्मार्टफोन है तो हम उनको उन कॉपियों में क्यों कैद रखें, व्हाई नॉट इन दिस स्मार्टफोन। उसका बर्ताव का भी डिजिटल वर्जन हमारी ऐप में मौजूद है, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है किसने कितना दिया अभी तक। हम सारे रिकॉर्ड्स आपको बता देंगे कि किसने क्या, समराइज्ड रिकॉर्ड्स बता देंगे कि किसने क्या दिया है आपको, ताकि आप इंश्योर कर सके रेसिप्रोसिटी और गिफ्ट्स की, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है हमारे कल्चर के हिसाब से।
किसने क्या दिया और किसने क्या हमें यहाँ से वापस ये भी इकरा जानना चाहूंगी, जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक यूनिक इनिशिएटिव है, तो किस तरह से आपके दिमाग में आ रहा है और कितने वक्त में आपने कंप्लीट किया है ये ऐप को लॉन्च करने में? जी जी, सो बेसिकली हम एक फैमिली गैदरिंग में ही थे, बर्ताव हो रहा था, तो ऐसे सब लोग खड़े थे, एक करके जा रहे थे, तो मैं और मेरे मेंटर जो कैजुअली बात कर रहे थे अगर हम इसको डिजिटलाइज करें इस वक्त आपके कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हैं दोनों, तो हम में से कैजुअली डिस्कस कर रहे थे हम अपनी टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं इसको सही करने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए, तो बेसिक थॉट वहीं से आया था, बट शायद उतना ही नहीं था, उससे बड़ी बड़ी भी परेशानियां कुछ थी, उससे छोटी छोटी परेशानियां थी जो कहने को छोटी है बट एक ऑर्गेनाइजर के लिए बहुत बड़ी होती है, तो इसको हमने सबको एक एक ही रूफ के अंडर ला के दावत बुक ऐप बनाए। कौन था साथ, कौन था आपके? जी उस टाइम पे तो एज सच, अभी तो एज सच कोई नहीं है, बट उस टाइम पे थॉट जो आया था, वी वर सिटिंग टुगेदर, मी एंड माय मेंटर, वी वर सिटिंग टुगेदर, तो उस टाइम पे थॉट आया था, बट देन अभी तो वी आर डूइंग इट विद अ टीम, जो कि डेवलपर्स टीम है हमारी, वो अभी मदद कर रहे हैं, हमारी यहाँ पे बैठी भी हुई है हमारी टीम, तो एज ऑफ नाउ आई एम मैनेजिंग इट ऑन माय ओन। कितना वक्त कितना लगा इसमें? जी थॉट तो इस साल के शुरुआत में ही आया था, लाइक अराउंड जनवरी, बट देन इसको प्रॉपर शेप देने में, प्रॉपर आइटरेशन लेके बहुत बार सारी चीजें सोचनी थी कि किस तरीके से, क्योंकि ऐसी कोई ऐप नहीं थी जैसे आजकल के जो जल्दी रेप्लिकेट हो जाए, तो उसमें कल्चरल सेंसिटिविटी सोचनी थी, एनवायरमेंट कॉन्शियसनेस सोचना था, बहुत सारी चीजें, पर्टिकुलरली अगर हमारे ट्रेडिशंस की बात करें उसमें बहुत ऐसी चीजें होती है जो हम विदाउट एनी थॉट ऐसे उठ के कर नहीं सकते, प्रॉपर थॉट देना पड़ता है कि कहीं किसी को इस चीज से बुरा ना लगे, कहीं हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो जाए, तो इन सब चीजों को कंसिडर करके ही इस ऐप को एक प्रॉपर डिजाइन देना पड़ा। ये भी आपसे जानना चाहूंगी, जब भी हम ऐसा कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो अपनी फैमिली के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बचता है, फैमिली को कैसे मैनेज कर पाते थे? जी मैं हमेशा से वर्कहोलिक रही हूँ, इससे पहले भी मैंने कई कंपनीज में काम किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स में, तो मैं हमेशा से वर्कहोलिक रही हूँ, तो इसलिए मेरे लिए शायद उतना मुश्किल इस टाइम पे नहीं था, बट आई हैव ऑलवेज अल्हम्दुलिल्लाह माने। तो ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि किस तरह से लोग जो है किस तरह से ऐप को डाउनलोड करेंगे, क्या प्रोसीजर रखा है इसके लिए? जी जी जरूर, लोग हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं dawatbook.in, वहाँ पे वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है इस बारे, प्ले स्टोर हो चाहे ऐप स्टोर हो, दोनों पे आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप, दावत बुक नाम से ही है, फ्री ऐप है, फ्री इवेंट प्लानिंग कर सकते हैं आप, आपको कुछ चार्ज नहीं किया जाएगा फॉर द डाउनलोड, फॉर द यूजर्स, नथिंग एल्स, बस जो भी आप सामान खरीदते हैं उसके लिए यू हैव टू। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी जो कि बहुत जरूरी है, जो कि आजकल लड़कियां, सिंस हमारे यहाँ पे जॉब्स नहीं है, बिल्कुल एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अब लड़के तो संभाव चलो बाहर जाते भी है, लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आजकल लड़कियां कस्टमाइज गिफ्टिंग में बहुत ज्यादा है, घरों से कुछ कुछ चीजें बन, कोई निकाहनामा बनाता है, कोई प्लेटर्स बनाता है, कोई कैंडल्स, कोन्स, जो भी सारी ज्यादा सामान अपने घरों से बनाते हैं, उनके लिए दावत बुक एक सेल्स प्लेटफॉर्म भी है, तो उनके प्रोडक्ट्स हम लिस्ट आउट करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे और वो चीजें वाइडर ऑडियंस को पहुंचती है, उनका सामान किसी दुनिया के किसी भी कोने से खरीदा जा सकता है थ्रू आर ऐप। बात करी थी हमारे साथ इकरा नजीर, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, यूनिक इनिशिएटिव लिया है दावत बुक के नाम से, जो इन्होंने ऐप लॉन्च की है कि किस तरह से हम अपने घरों के फंक्शंस के लिस्ट जो भी है किस तरह से हम वो अपने पास सिक्योर रख सकते हैं। गुड मॉर्निंग कश्मीर के लिए मैं सुरखा जैरा, कैमरा पर्सन आशिक नायक के साथ।